बार बार नहीं मिलता है। क्या आप जानते हैं कि अलीगढ़ में विजय देवरकोंडा से पहले किन एक्टर को मौका मिलने वाला था, और क्या अलीगढ़ में हमें टॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस भी देखने को मिल सकती हैं? हाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं जो कि बेस्ड है एक अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी यानी कि लेगर पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस मूवी की जिसने अपने रिलीज के पहले ही काफी हाइप बना ली है, क्योंकि दोस्तों हमें इस मूवी में बॉलीवुड की यंग एंड एनर्जेटिक एक्ट्रेस अनन्या पांडे दिखने वाली हैं, और वो भी टॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक यानी कि विजय देवरकोंडा के साथ, और इसी वजह से ही लेगर को एक काफी बड़ी आने वाली मूवी कहा जा रहा है। वैसे दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग से जुड़ी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, और वो खबर ये है कि इस मूवी में हमें बॉलीवुड के फेमस सिंगर तनिष्क बागची के कुछ सॉन्ग सुनने को मिल सकते हैं, और दोस्तों इनका साथ देंगी मनीष शर्मा। साथ ही इन दोनों की जोड़ी को देखने के लिए सभी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी कमाल के सिंगर्स हैं, और इस मूवी में इनके सॉन्ग्स होने से फैंस को तो मजा आएगा ही, और इस मूवी के ब्लॉकबस्टर बनने के भी चांसेस जरूर बढ़ जाएंगे। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में पहले हमें विजय देवरकोंडा नहीं बल्कि इस दूसरे फेमस एक्टर नजर आने वाले थे, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस मूवी में विजय को ये मौका मिल गया तो वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि दोस्तों जूनियर एनटीआर थे, और उनके बिजी स्केड्यूल होने की वजह से उन्हें इस मूवी से अपना नाम वापस लेना पड़ा, और फिर काफी ऑडिशंस के बाद विजय देवरकोंडा को इस मूवी के लिए फाइनलाइज किया गया है, और उनके होने से इस मूवी की फीमेल लीड भी खुश हो गई है, क्योंकि वो विजय के काफी बड़ी फैन है, और दोस्तों अब उन्हें अपनी फेवरेट एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलने वाला है, और इसलिए उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट से कम नहीं होने वाली ये बात। अगर हम बात करें कि आखिर कौन है वो एक्ट्रेस जो हमें इस मूवी में एंट्री लेते हुए नजर आ सकती हैं, तो दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चार्मी कौर हमें इस मूवी में नजर आएंगी, और उनके होने से जरूर इस मूवी में और ग्लैमर का तड़का लग जाएगा, और साथ ही अनन्या पांडे को भी एक टफ कॉम्पिटिशन मिल जाएगा। पर अगर ऐसा हुआ तो जरूरी इनकी जोड़ी के मूवी में होने से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा खासा कलेक्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही चार्मी कौर इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं, पर उनके दोस्तों इस मूवी में होना जरूर फैंस को काफी पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी में इस कौर को देखने के लिए। दोस्तों इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज फॉर वॉचिंग मोर सच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग अपकमिंग मूवीज एंड वेब सीरीज। और हमारे आज के राइटर हैं आकाश।